ये अनेकों जिलों से होती हुई ये यात्रा गुजरी है, लगभग 22-23 जिले अभी तक इस यात्रा के माध्यम से हम लोग पूरे कर चुके हैं। आप सबके कैमरे साक्षी हैं या आप सबके सहयोगी पत्रकार जो विभिन्न और जिलों में हैं, जैसे जिले से ये यात्रा होकर गुजरी है, वो इस बात की गवाही देंगे या उनके कैमरे, उनकी तस्वीरें, उनके वीडियो इस बात की गवाही देंगे कि जो एक अपार जन समर्थक इस आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड है। ईमानदारी से इससे पहले हम लोगों ने भी बिहार पर बिहारी पर यात्रा की थी, बिहार बचाओ यात्रा की थी, पर जिस तरीके से इस आशीर्वाद यात्रा को लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, अगर मैं कोई बड़े शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप लोग टोकिएगा मुझे, एक जन सैलाब देखने को मिल रहा है इस यात्रा के साथ। जहां जहां से भी ये यात्रा जा रही है, भारी संख्या में युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, भारी संख्या में अपना आशीर्वाद देने के लिए। इससे पहले बहुत कम मैंने ऐसा देखा था कि महिलाएं इस तरीके से सड़क पर पूजा की थाली, आरती की थाली लेकर और जिस ममता के साथ वो मुझे गले लगाकर आशीर्वाद देती हैं, ये तमाम बातें जिस आशीर्वाद की चाह में मैं आया था वो भरपूर मुझे मिल रहा है, और भले वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। और मैं भी बार बार मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी लड़ाई 12 करोड़ बिहार वासियों के बेहतर भविष्य की है, मेरी लड़ाई किसी जाति विशेष, धर्म विशेष की नहीं है, मेरी लड़ाई 12 करोड़ बिहार वासियों के बेहतर भविष्य की है। पिछले 15 साल से बिहार में जो सरकार है और जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं। मैंने निरंतरता में मैंने उनकी नीतियों का विरोध किया, आज भी उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास कोई ऐसी नीति है जिसकी वजह से बिहार का विकास हो सकता है। मैं नहीं मानता कि भैया 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। मैं नहीं मानता कि नली गली बनाने से, हर घर नल का जल पहुंचाने से बिहार का विकास हो सकता है। ये तमाम बातें तो 15 साल में हो जानी चाहिए थी, अभी तक ये कार्य हुए क्यों नहीं, ये सवाल होने चाहिए। 15 साल से आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर 15 साल में अगर आप नली गली नहीं बना पाए, अगर 15 साल में आप बेहतर स्वास्थ्य सेवा, बेहतर शिक्षा सेवा, रोजगार आप उत्पन्न नहीं कर पाए, तो किस काम के आप मुख्यमंत्री। जो मुख्यमंत्री अपने कैटरक के ऑपरेशन के लिए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली जाता हो चार्टर फ्लाइट से, तो सोचिए उन्होंने हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य की क्या हालत करके रखी होगी। कोई और बुजुर्ग दंपति यहाँ पर अगर किसी गांव में अगर उनको इलाज कराना हो मोतियाबिंद का, तो कौन देगा उनको चार्टर फ्लाइट 1000 किलोमीटर की यात्रा करने की। इन्होंने अपनी विकास गाथा में एक ऐसा अस्पताल, एक ऐसा डॉक्टर नहीं बनाया जो मुख्यमंत्री का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दे। वही शिक्षा की जितनी बदहाल स्थिति है, आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, क्यों? और कोटा के हालात जानिए, आप सब जानकार हो, आप सब जानते हैं कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान। क्यों ये व्यवस्था? भैया हम लोग पटना में नहीं दे सकते, बिहार के बाहर जितने लोग गए हैं पलायन कर उनको मैं वापस अपने प्रदेश में लेकर आऊँ। क्या किया आपने 15 सालों में कि बिहारी वापस आए? और ये मेरे आग्रह नहीं है, सरकारी आग्रह है कि वापस आना तो लोगों की बात है, पलायन में और ज्यादा वृद्धि हुई है। शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई मुंबई का लड़का बिहार आता है शिक्षा के लिए या दिल्ली का लड़का बिहार आता है रोजगार के लिए। सिर्फ बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही तय करने की जरूरत है यहाँ पर। जो मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा चुनाव में खुलेआम ये कहता हूँ कि भैया बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता, क्यों? क्योंकि बिहार वाटर लॉक है। तो भैया गुजरात से लेके, राजस्थान से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, महाराष्ट्र से लेके, कितने ऐसे राज्य हैं जो वाटर लॉक है, और उन्हीं राज्यों में बिहारी जाते हैं काम करते हैं। अगर वहां जाकर काम कर सकते हैं तो हमारे प्रदेश में आप रोजगार के अवसर क्यों नहीं दे सकते? और जब हम एक तरफ कहते हैं विरोधाभास, देखिए इन लोगों में एक तरफ बोलते हैं कि भैया रोजगार नहीं ऊपर हो सकता, दूसरी तरफ चुनावी जुमला कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। पिछले 8 महीने में बताइए ना कितने लाख दे दिया आपने, लाख छोड़ दीजिए, कुछ हजार ही दिया हो तो वो भी बता दीजिए, पर यहाँ रोजगार देना, नए रोजगार देना तो अलग बात है, जो बैकलॉग है ये उसको भी फुलफिल नहीं कर पाते। कितनी ऐसी सरकारी वैकेंसीज है, लगभग 4.5 लाख के करीब ऐसी सरकारी वैकेंसीज है जिसको सरकार पूरा नहीं करती, उसको भर्ती नहीं है, और बिहारियों के ऊपर लाठियां चलाई जाती है। बीएड के शिक्षक जाते हैं उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती है, छात्र, बिहार अनोखा ऐसा प्रदेश है जहां पर 3 साल का कोई 4-5 साल तक
जिम्मेदार है इसका। इसीलिए आज की तारीख में जिस तरीके से ये जन सैलाब उभर कर आ रहा है, ये एक बात को स्पष्ट करता है कि लोगों का अटूट विश्वास आज की तारीख में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ होता था। मेरे नेता, मेरे आदर्श, मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अंतिम सपना जो संकल्प के तौर पर मुझे लेकर गए थे, मुझे खुशी है कि आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट घर घर पर पहुंच रहे हैं। बिहार बहुत बिहारी बहुत से अगर आप विजन डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, शायद ही बिहार की कोई ऐसी समस्या होगी जिसका हम लोगों ने उसमें जिक्र नहीं किया, जिसका समाधान हम लोगों ने नहीं किया। रोजगार की बात है, मैं आपको समाधान देता हूं भैया। रोजगार के अवसर यहां पर उत्पन्न करने, सबसे पहले निवेशकों को बुलाइए। गुजरात में जैसे समिट होता है, इन्वेस्टर समिट होता है, वाइब्रेंट गुजरात के नाम से होता है, मध्य प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, कौन सा राज्य है जो कि नहीं करता इस तरीके के समिट? आखिरी बार मुख्यमंत्री ने निवेशकों को उनका बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। आप इन्वाइट कीजिए, आप उन्हें सुविधाएं दीजिए, सबसे पहले उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी दीजिए कि भैया आप यहाँ पर आकर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, तो आपको यहाँ पर राज्य सरकार सुरक्षा देगी। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस बनाइए। इच्छा शक्ति तब तोड़ देती है निवेशकों की जब तक यहाँ पे अलग अलग विभागों से उनको क्लियरेंसेस मिलते हैं। लैंड रिफॉर्म बदलने की जरूरत है, ये तमाम चीजें करने की जरूरत है, तब जाकर आईटी सेक्टर, एमएनसी हमारे प्रदेश में आ सकते हैं, जिसके बारे में राज्य सरकार कोई बात करना जरूरी नहीं समझती। राज्य सरकार को सिर्फ अपनी जाति व्यवस्था के ऊपर चिंता है, उनके जातीय समीकरण के ऊपर। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इतना समय तो इन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बिताया जितना समय इन्होंने अपने जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में बिताया। कभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, मजाक बना के रखा हुआ, कभी ये समीकरण, कभी वो समीकरण। तो भैया जो बिहार का जो बदहाल स्थिति है उसकी चिंता कौन करेगा? बाढ़ से जो लोग प्रभावित हैं, हर साल बाढ़ आती है भैया, कौन सी नई बात है? ब्रेकिंग न्यूज थोड़ी है, अगले साल फिर इस वक्त बाढ़ आएगी। मैं आज से घोषणा करके जाता हूं, जबकि मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं, पर उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बिहार पर, बिहारी पर में हम लोगों ने सुझाव दिया कि भैया नदियों को जोड़ने की योजना में काम करें। बिहार का आधा हिस्सा जो बाढ़ से प्रभावित रहता है, आधा सुखाड़ से प्रभावित रहता है, कैनाल बनाइए, डाइवर्ट कीजिए पानी को ऐसी जगह पर जो कि जहां पे ज्यादा पानी है, वहां से सुखाड़ के इलाके में लेके जाइए। सिंचाई की व्यवस्था भी इससे बेहतर होगी। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, हमारे किसानों को इससे सहूलियत मिलेगी, पर इन विषय पर ध्यान ही नहीं है मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ जात पात धर्म वजन में उलझे रहते हैं कि मैं दलित को महादलित कैसे करूं, पिछड़ा को अति पिछड़ा कैसे करूं, अगड़ा पिछड़ा के बीच में लड़ाई कैसे लड़ाऊं। सिर्फ ये ध्यान रहता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, और सिर्फ चुनावी घोषणाएं उनसे करवा लीजिए। चुनाव के वक्त वो घोषणा करते हैं कि किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो भैया हम लोग उनको सरकारी नौकरी देंगे। आज कितने ऐसे परिवार हैं जहां पर हत्याएं हुई है, एक परिवार बता दीजिए जिसको सरकारी नौकरी मिली हो। अभी आते वक्त यहाँ नेहरू नगर में दलित परिवार के लोग थे, गरीब परिवार के लोग थे, उनका घर तोड़ दिया गया। जब चुनाव आते हैं तो आप घोषणाएं करते हैं कि भैया महादलितों को हम लोग 3% जमीन देंगे, विभिन्न तरीके की घोषणाएं आपके सामने आती है, ये जमीन देंगे, ये नौकरी देंगे, पर उसके बाद जब आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इस तरीके से उनके घर तोड़े जाते हैं। बुजुर्ग महिलाएं हैं वहां पर, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। भाई जब तक आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते, कैसे आप उनका घर तोड़ सकते हैं? आप उनको पहले विकल्प तो दीजिए कि आपको यहां से हम लोग स्थापित कर रहे हैं इस जगह पर, आप आते हैं सीधा बुलडोजर उठाते हैं, क्योंकि सरकार आपकी, आप जो चाहेंगे आप करेंगे। तो जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लोगों का नहीं है, जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के गरीबों के हक की बात नहीं करता, उनको उनका हक अधिकार नहीं देता, वो मुख्यमंत्री। और यही कारण था कि पिछले चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इस तरीके से इस यात्रा में जहां एक तरफ मुझे बिहार बस, बिहारी बस के प्रति लोगों का जुड़ाव दिखता है, वहीं दूसरी तरफ मुझे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से लोग नफरत करते हैं, वो आक्रोश मुझे दिखता है। बेरोजगारी आज की तारीख में इतना बड़ा विषय है, इतना बड़ा मुद्दा है, उसमें मुख्यमंत्री पूरी तरीके से खामोश रहते हैं। दूसरे प्रदेशों में लोग जाए वहां पर लाठियां खाए, पिटे, कुछ करें, मुख्यमंत्री को उससे कुछ लेना देना नहीं। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। आप सबसे मैं आग्रह करूंगा, बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए, पूछिए किसी से भी कि भैया क्या बिना घूस दिए कोई काम होता है? बिना घूस दिए एक काम नहीं है बिहार में जो होता हो। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन के, जीरो टॉलरेंस है क्राइम के लिए। आए दिन बिहार में हत्याएं होती हैं और इनका जीरो टॉलरेंस है क्राइम के लिए। शराबबंदी की बात करते हैं, खुलेआम शराब मिलती है। तो इन तमाम बातों पर जब प्रदेश का नेतृत्व, प्रदेश का मुखिया ही आग मूंद कर अगर बैठ जाए तो उसके बाद जनता ही जागती है।
और जिस तरीके से जनता का जन सैलाब आ रहा है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे और अगले मध्यावधि चुनाव परिणामों के बाद लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर आएगी, ये मेरा विश्वास है। अब इसके बाद अगर आप क्या कहेंगे भाई, जो मरे उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति तो मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, पर बिल्डिंग का गिर जाना, ये भ्रष्टाचार, ये इन्हीं सब बातों की मैं बात कर रहा हूं। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? किस तरीके की सोची मिलावट की गई होगी उस भवन के निर्माण में कि वो बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो जाती है, एक मजदूर की दबके उसके नीचे मौत हो जाती है। तो ये अपने में दर्शाते हैं ना कि भैया आप मिलावट कर रहे हैं तो किस तरीके की मिलावट कर रहे हैं? आप पानी में दूध की बूंदे मिला रहे हैं कि आप दूध में कुछ पानी मिला रहे हैं? और ये मुख्यमंत्री की आंख के नीचे, नाक के नीचे सब हो रहे हैं और वो खामोश रहते हैं इन तमाम चीजों को। पटना में मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2005 से पहले पत्रकारों से हाथ जोड़कर कहा है कि 2005 से पहले का सीन दिखाइए कि कितनी बुरी स्थिति थी, आज कितनी अच्छी है। भाई मैं आज की तारीख में ये जितने नौजवान खड़े हैं जिनकी आयु 25 वर्ष होगी, 28 वर्ष होगी, 30 वर्ष होगी, वो 15 साल पहले 15 साल के थे या 10 साल के थे। भाई हमको नहीं लेना देना, मुझे खुद नहीं लेना देना कि 15 साल पहले बिहार में क्या होता था नहीं होता था। मुख्यमंत्री जो बार बार कहते हैं कि जाके अपने बाप दादा से पूछो, बाप दादा से पूछो, भैया हमको नहीं लेना देना इस बात से। हमको आप आज का बताइए ना, हमारे भविष्य का बताइए। मैं खुद युवा हूं, मुझे बताइए ना कि मेरे प्रदेश में, बिहार में आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं मुख्यमंत्री होने के नाते? 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, कब तक आप डर दिखाते रहेंगे 15 साल पहले का और उसके बनिस्बत अपने आप को बेहतर दिखाते रहेंगे? आप आज बताइए ना, 5 उपलब्धियां बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 15 साल के कार्यकाल में। मैं 5 साल की भी बात नहीं करता, 15 साल के कार्यकाल में अपनी 5 उपलब्धियां बता दें। सड़कों की हालत देखिए, जर्जर हो रखी है। कहीं पर भी चले जाइए, प्रधानमंत्री कहते हैं जहां बीमार वहां उपचार, बिहार में संभव है जहां बीमार वहां उपचार। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चले जाइए, बीपी तक जांचने की मशीन नहीं होती वहां। भाई मेरा सॉफ्ट स्वागत सिर्फ बिहारियों के लिए, इस बात को मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं। मेरी लड़ाई 12 करोड़ बिहारियों के सम्मान की है, उनके गौरव की है, बिहारी अस्मिता की है। बिहारी शब्द तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गाली बना दिया। मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर एक जगह युवा बिहारी और बिहारी मैंने बोलना इसलिए शुरू किया क्योंकि दूसरे प्रदेशों में जाइए बिहारी बोलकर आपके ऊपर लाठियां चलाई जाती है। उस वक्त नहीं देखा जाता कि अपर कास्ट का बिहारी है, मुस्लिम बिहारी है, दलित बिहारी है, पिछड़ा बिहारी है, कौन सा बिहारी है। इस शब्द की गरिमा को उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो इसलिए मेरा सॉफ्ट कॉर्नर किसी पार्टी किसी के प्रति नहीं है, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर मैं बस नैरेटिव को नहीं बदलने देना चाहता। ये लोग चाहते हैं कि नैरेटिव बदले, मैं विभिन्न और पार्टियों के ऊपर भी मैं क्यों करूं भैया बताइए ना, जब पूरा नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों में है। और ये आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली वो अकेले और उनके मुट्ठी भर अधिकारी, बस यही लोग पूरी सरकार चलाते हैं, पूरा बिहार चलाते हैं। तो भैया इन लोगों के मैं क्यों ना किसी दूसरे के ऊपर मैं उंगली उठाऊं जब पूरी जवाबदेही जिम्मेदारी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। राजनीति में परिवार आपको कैसे देखते हैं, लोकतंत्र के लिए कहां तक सही है? भाई मैं तो दूध का जला हुआ, मेरे साथ तो जो हुआ है अब इसके बाद तो मैं क्या ही परिवारवाद की बात करूं। पर हाँ, काबिलियत को, हुनर को मौका मिलना चाहिए और काबिलियत छुपाई छुपती नहीं है, इस बात का मैं पक्ष रहा हूं। भाई विकल्प के रूप में बिहार पर बिहारी पर ना चिराग पासवान, ना कोई पार्टी, ना कोई चेहरा। मैं सिर्फ अपने विजन डॉक्यूमेंट को सामने रखना चाहता हूँ। आप मेरा विजन डॉक्यूमेंट पढ़िए, आप उससे बिहार की कोई भी समस्या के बारे में जिक्र करें। मैंने तो यहाँ तक भी जिक्र किया कि भैया एक प्रवासी मंत्रालय हमारे प्रदेश में होना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बिहारी दूसरे प्रदेशों में रहते हैं और जब वहां पर उनकी हत्या कर दी जाती है या उनको पीटा जाता है तो उनकी सुन लेने वाला कोई नहीं होता। तो मैंने तमाम इन विषयों का जिक्र अपने बिहार पद बिहारी पद में वही विकल्प के तौर पर सामने हो। नहीं देखिए ये अशोभनीय है इस बात की, देखिए सार्वजनिक स्थान की, सार्वजनिक जगह की मर्यादा का पालन हर किसी को करना चाहिए। आप अपने घर में जैसे रहना चाहें भैया, आप स्वतंत्र आप रहिए, पर जब आप किसी सार्वजनिक स्थान पर हैं जहां पर महिलाएं हैं, जहां पर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वहां पर अगर आप सार्वजनिक स्थान की मर्यादा का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार दर्शाता है।
ये सत्ता पक्ष के विधायक होने का अहंकार है या मेरा कोई क्या उखाड़ लेने वाली मानसिकता है जिसकी वजह से विधायक जी ने इस तरीके की हत्या की। इससे बदनाम बिहार होता है, मेरी चिंता इस बात को लेकर। जब ऐसी तस्वीरें देश भर में जाती है तो बदनामी बिहार की होती है। अभी यहाँ पे महादलित बन रहा है ये अक्षरवा और उसमें बालू नहीं मिल रहा है, उसमें भी ये दो घरों से अधिक काम किया जा रहा है और अभी यहाँ अधिकारी कोई सुन नहीं, उसके लिए आप क्या करेंगे भाई? उसके लिए मैं तो सिपाही फिलहाल आवाज उठा सकता हूँ। जिस दिन बिहार की जनता मुझे ताकत देगी कि मैं तमाम विषयों पर सक्रिय रूप से निर्णय ले सकूं, उस दिन मैं जरूर निर्णय लूंगा। पर हाँ, ये समस्या अधिकांश प्रदेश में, आप कहीं पर भी चले जाइए इसी तरीके की आपको समस्या नहीं मिलेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में आप राम का अनुमान मत भी आगे की संभावना है क्या भाई? आगे की संभावनाओं के बारे में मैं बहुत जल्द जब चुनाव आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। जनरल प्रैक्टिस रही है ये कि जब चुनाव सरकार होते हैं उसी वक्त गठबंधन का स्वरूप तय किया जाता है। फिलहाल मेरा पूरा ध्यान केंद्रित है, मेरी प्राथमिकता मेरी इस यात्रा को सफल करना है और संगठन को मजबूत करना है। सिर्फ मेरी प्राथमिकता ये है, चुनाव के वक्त गठबंधन का क्या स्वरूप होगा वो जरूर साकार करना है।